अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। देखिए, सबसे पहले तो जो है कि सीबीआई जांच हुई, इसका हम लोगों को लोग जो है काफ़ी हर्ष है, क्योंकि विगत 2013 से मैं लगातार जो है मेंस की परीक्षा दे रहा हूं, और जैसा अब निकल के सामने आ रहा है, मीडिया के सामने भी, ये पूरे जो है देश के सामने है कि मॉडरेशन के नाम पर किसी का नंबर बढ़ा देना, किसी का स्केलिंग पर बढ़ा देना। तो इससे पहले हम लोगों को लगता था कि हम लोगों के अंदर कहीं योग्यता का अभाव है, इसलिए हम लोगों का चयन नहीं हो पा रहा था। लेकिन जब हम लोग भ्रष्टाचार की पोल खुली और ये दिखा कि लोग मॉडरेशन के बल पर सेलेक्ट हो रहे हैं, स्केलिंग के बल पर सेलेक्ट हो रहे हैं, तब हमें लगा कि हम लोग जो हमारा जो अब तक का अटेम्प्ट था, लगभग 5 वर्षों का जो मेरा करियर था, वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा। और वर्तमान में जो सीबीआई जांच कर रही है, और सीबीआई जांच के प्रभाव के स्वरूप जो दलाल थे या जो गलत तरीके से जो लोग चयनित हुए थे, उनके चेहरे पर दिख रही चिंता की लकीरें और अपने घरों में ताला बंद करके जो शहर को छोड़ चुके हैं, उनको देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि सीबीआई जांच भी सही दिशा में चल रही है और हम लोगों को न्याय मिलने वाला है। इसलिए जो है प्रतियोगी छात्रों में इस जाँच को लेकर काफी जो है हर्ष है। कुछ लोग जो है अभी भी इसको जो है कि हवा में बता रहे हैं, लेकिन जो है हमें ये उम्मीद है कि जो वर्तमान जाँच अधिकारी हैं वो काफी ईमानदार हैं और बहुत ही जल्द उनकी जो है हाथ जो है भ्रष्टाचारियों के गर्दन तक होगी, और जो भ्रष्टाचारी हैं जिन्होंने पैसा देकर जो सेलेक्ट हुए हैं, उनका चेहरा जो है समाज के सामने जो है कि बेनकाब होगा, और जो सही प्रतियोगी हैं जो अपने कर्म के बल पर जो है जीतना चाहते हैं, उनके साथ न्याय होगा। कितना फर्क पड़ता था जब देखिए, जो फाइनल रिजल्ट आता था, अगर उस फाइनल रिजल्ट को आप जब देखेंगे तो उसमें ये पता चलेगा कि जैसे 815 पे सिलेक्शन हुआ तो कोई विद्यार्थी है जो 814 नंबर पाया है, तो फाइनल जो कट ऑफ है, सिलेक्शन का जो कट ऑफ है और जो नहीं होने वाले, अगर 5 नंबर का अंतर दे दिया जाए तो उसमें हजारों अभ्यर्थी होते थे। लेकिन अब जब फाइनल मार्कशीट आ रही है तो उसमें ये देखा गया कि जीएस में जो है स्केलिंग नहीं होती थी, तो जीएस में इन्होंने मॉडरेशन कर दिया, और मॉडरेशन के बल पर जो है यह एक विद्यार्थी को जो सेलेक्ट हुआ है उसको 50 नंबर बढ़ा दिए, और जो विद्यार्थी सेलेक्ट नहीं हुआ उसको 50 नंबर घटा दिए, यानी जो 100 नंबर का फासला हुआ इसमें देखेंगे कि लगभग 10,000 योग्य विद्यार्थी जो है सेलेक्ट होने से वंचित रह गए, और जो अयोग्य थे वह सेलेक्ट हो गए, ये सिर्फ मॉडरेशन का था।